अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारी तैयारी जो है माशाल्लाह से शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करी है, खड़ा है, देखते हैं कैसे प्रोसेस चलता है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर मैंने चने की दाल भी भिगो चुकी हूँ मैं, तो यहाँ पर अभी काटम कुटिम कर रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। गाइस मैंने यहाँ पर फिर चने को चढ़ा दिया है, ताकि क्योंकि टाइम अब नहीं है बिल्कुल भी, 2 बज गए हैं घड़ी में, तो चने को चढ़ा दिया यहाँ पर। साथ ही ये चिकन भी मैं वॉश कर ही रही थी। यहाँ पर बर्तन इतने जाम है कि क्या ही बताओ, ये भी फ्राई करना है, तो बने रहिए मेरे साथ। और मेरा दोस्त आ चुका है। हाय बेबी, इधर देखो। हाँ देखिए, तो मेरा फ्रेंड आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मैंने कीमा भिगो दिया है ताकि शामी कबाब के लिए। यहाँ पर दाल भी भिगो कर रखी है, ये चने के लिए आलू भी धोकर रखा है, काट कर धोकर सब कुछ रख दिया है। ऑलमोस्ट 50% प्रिपरेशन चल रही है, पर साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी अंदर की कंडीशन मेरी क्या है। और ये मैंने जो डाले थे बर्ड्स को, यहाँ पर आए वो लोग खाना खाने के लिए, यानी ब्रेड डाल दी, रोटी डाल दी, जो आता है वो सब इनमें डाल देती हूँ मैं। सडनली मेरे मिक्सर ने मुझे धोखा दे दिया और मेरा मिक्सर ख़राब हो चुका है, तो अब दूसरे मिक्सर को यूज़ करने के लिए तो लेने गए मैं। यहाँ पर प्याज की चॉपिंग कर दी है, ये कर चुका है, आलू और बैगन। सी माई रूम इज़ सो मेसी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये रूम बहुत अच्छा मैं बना दूंगी इंशाल्लाह। बर्तन अभी तक धुले नहीं है, पता नहीं कब धुलेंगे, लेकिन धुल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया है ना। तो गाइस आप सोचिए आज किसकी दावत है, कौन हमारे घर का चीफ गेस्ट है, क्या आपको पता है? नहीं पता है। आज उस इंसान का क्या है ये भी नहीं पता है। स्पेशल डे, तो फिर सारी तैयारी सब कुछ उन्हीं के लिए, वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी। तो वेरी गुड, थैंक यू बेबी। पापा तो बहुत अच्छा कर लिया। सीरियसली आपके लिए शॉकिंग बात होगी ना बेबी। हाँ आप तमाम लोगों को फिफ्थ रोजा, आज फिफ्थ है ना माशाल्लाह से, फिफ्थ रोजा आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज कर दीजिए प्लीज। जब निकालिएगा या गरम गरम में चाट मसाला डालने से ठीक रहेगा? नहीं नहीं नहीं, लास्ट में निकाले के, लास्ट में। चक्कर तो वही बोल के है, अब एक दो बार और बाहर आकर निकल जाइए ना गलती से, उसके बाद और ज्यादा ही गर्मी लगने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। गाइस इनमें से आपका कौन सा वाला फेवरेट है वो बताइएगा जरूर हमें। क्या मुझे तो सबसे फेवरेट मेरा ये है, पोटैटो। हाँ पोटैटो, हाँ पोटैटो कह सकते हैं, मतलब ये आलू चिप्स है, ये बहुत यम लगता है मुझे। और पापड़, ये दोनों मुझे कोई खास नहीं लगता है, लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट। आपका कौन सा फेवरेट है जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है? कमेंट्स करके कमेंट जरूर करिएगा, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। क्या बोली थी हमको, काटा चम्मच? माशाल्लाह है बेबी, सीरियसली? हाँ माशाल्लाह बेबी, थैंक यू अल्लाह ताला, अनबिलीवेबल ना।
ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड। आज मैं लग रही हूँ ना गाइस, आज मैं लग रही हूँ ना असली शेफ। अब मुझे भी अच्छा लग रहा है सीरियसली। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी अच्छा अच्छा खाना बनाते रहिए, सबको खिलाते रहिए। यस, और दुआ लेते रहिए। ओह माय गॉड, हस्बैंड यहाँ पर देखिए मेरी अमायरा जो है बदमाशी कर रही है, और यहाँ पर हवा चल रही है एकदम तेज तेज, बिजली कड़क रही है, मौसम बहुत जबरदस्त हो रखा है। और हमारी आपी बहन जो है वो अस्सलामुअलैकुम, अरे इधर देखो अभी मैं चाय जो है, मुझे आपी के हाथ की ही चाय पसंद है, इसलिए चाय पीने के लिए। गाइस बहुत देर बाद कोलकाता का वेदर अच्छा हुआ है, बहुत गर्मी, बहुत एक्सेस लेवल में गर्मी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा। देखिए गाइस, मैं तुम्हारी अम्मी जा, तुम्हारी मामा ने तुम्हें तुम्हारा भरता बना देना है। हैप्पी एनिवर्सरी का तो टैग मैंने लगा दिया। हाँ, अब लिखिए। क्या लिखेंगे? अमायरा गाइस, AMMI। मेरी आई के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसको बोलना क्यों नहीं आता? हैप्पी एनिवर्सरी अभी तो जस्ट बैठा रहे। क्या पियेंगे? क्या पियेंगे? क्या लगा लीजिए मम्मी, ये कप ले लीजिए। एनिवर्सरी अम्मी जान, हैप्पी एनिवर्सरी, आई लव यू। देखो देखो चश्मा, अब एक बात आप मानते हैं कि सबसे शेर बच्चा आपका मैं ही हूँ, ये भी सारी चिट्ठियाँ डलती है। अरे पता है ये इतनी डरपोक है मम्मी, ऐसे सोचती है आई भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज का जो ये है सब कुछ ताम झाम मैंने रखा था, जो सरप्राइज मैंने बोला था वो ये था कि मेरे प्यारे अम्मी अबू जान की आज एनिवर्सरी है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना आपी बहन, माशाल्लाह से। लेकिन हम लोगों ने सुबह से कोई भी इस बारे में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि रमजान का महीना है और मेरे अम्मी अबू जान नहीं मनाते हैं ये सब। लेकिन ये किसकी ख्वाहिश थी? मेरी ख्वाहिश थी, इसीलिए मेरी अपनी जान नहीं मनाती, बहुत सीधी है मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जान। तो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं क्योंकि मेरे एक आदमी एक सदस्य कम है, वो है इरफान जी। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, वालेकुम अस्सलाम।
तो आज मेरे अम्मी की एनिवर्सरी है माशाल्लाह से। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। अब्बू जान आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बोलिए। अच्छा अब्बू अब्बू आप कुछ बताए थे आपकी शादी में कितने रुपए केजी चावल था? मेरे शादी में 2 रुपए केजी चावल था। अब इतना भी मस्त झूठ बोली? नहीं, 2.5 रुपए केजी गोश्त था। 2.5 रुपए के जी गोश्त? तो ओ माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम। और कुछ? और कैसा फील हो रहा अब्बू? और आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या लग रहा है? मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी शादी जो थी कैसी थी? इतने साल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से शादी थी, बहुत अच्छी शादी। और अम्मी जान आपको कैसा लगा? गाइज मेरी अम्मी ने तो बहुत जद्दोजहद स्ट्रगल सा है, तो इसलिए मेरी अम्मी को तो सलूट है ना। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी मेरी अम्मी से शादी करके। हाँ खुशी हो रही थी ना डैडी? आपका तो जैकपॉट लगा था ना जब मेरी माँ को देखा था। अच्छा हाँ कि नहीं? अच्छा, देखा नहीं था? नहीं देखा, कुछ नहीं देखा था। आप कुछ नहीं देखा था? अम्मी को नहीं देखा था पहले, देखा था, फोटो भी नहीं देखी थी, ऐसे शादी हो गई थी। ओ और हमारी अम्मी की, अम्मी आपकी शादी की, अम्मी आपने अब्बू को देखा था? नहीं देखा था। तो कैसे शादी कैसे हो गई थी? बस अच्छी हो गई, बिना देखे शादी हो गई। और बिना देखे ही माशाल्लाह से इतने साल गुजार दिए। देखा नहीं आता था क्या? देखा नहीं आता। अच्छा तो आपको अब्बू, एक बात बताइए, आपको अम्मी में सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या लगता है? हाँ सबको अच्छा लगता है, क्या बताया गया? सबसे अच्छा क्या लगता है ये बताइए। अच्छा लगता है, बोला तो। ये बात तो सच है, मेरी माँ बहुत अच्छी है बेटा, इसलिए सब समझ में आता है, शान पट्टी ना। और अम्मी जान आपको मेरे अब्बू में बहुत अच्छा क्या लगता है? मेरे अब्बू है बहुत अच्छे, जैसे कि सब जानते हैं, बहुत स्ट्रांग ऊपर से लेकिन अंदर से बहुत एकदम मेरी तरह एकदम नारियल है। तो आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है मेरे अब्बू में सबसे अच्छा? सबसे अच्छा वो किसी चीज की रोक ठोक नहीं करते हैं, जिससे दिल चाहे मिलो, जिससे दिल चाहे मिलो। ओ मतलब पाबंदी नहीं है? कोई पाबंदी नहीं है? सामने मत आओ, उससे पर्दा करो, उससे कुछ करो, कभी नहीं बोला ना अब्बू ने कभी किसी चीज के लिए? इससे पहले बहुत रोक ठाक थी, भाई के सामने नहीं आने दिया जाता था। और ये लेकिन अब्बू जो है ऐसे हैं कि अब्बू ने कभी आपको रोकथाम नहीं की ना? नहीं। सब मतलब आपको अब्बू की आदत बहुत अच्छी लगती है ना? इसको कहते हैं मतलब मेरे अब्बू उस जमाने के ब्रॉड माइंडेड थे, है ना गाइस? अब्बू बहुत मूवी देखते थे, है ना? हाँ बहुत देखते थे। और अम्मी बिल्कुल नहीं देखती थी, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग जोड़ी है। हाँ बताइए क्या है? हॉल तक नहीं देखा। आपने हॉल तक नहीं देखा? अब्बू आपकी पहली मूवी आप अम्मी को कौन सी लेके गए थे क्या बताएंगे क्या? कौन सा पहला हॉल था जिसमें? कुर्बानी। कुर्बानी? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आलम बाजार में। कहाँ लेके गए थे? आलम बाजार। आलम बाजार में पहला? ओह एम जी माशाल्लाह। तो अम्मी और क्या पूछेंगे, और बहुत सारी बातें, लेकिन अभी बहुत का शॉर्ट टाइम है, तो कहीं मेरे अब्बू का मूड वो हो जाएगा तो फिर इसीलिए। अच्छा अब्बू जान आइए, तो अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि आपको अम्मी के हाथ का सबसे अच्छा खाना क्या लगता है? ऐसे तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। अम्मी ऑलराउंडर है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, माशाल्लाह। आज के नौजवानों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए और सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरे अब्बू कितने पॉजिटिव है, कितना आप बहुत अच्छे हैं अब्बू, सीरियसली। अच्छा तो एक बात बता दीजिए ना, कौन सी अच्छी लगती है? या। कौन सा खाना अच्छा लगता है? अरे हर खाना अच्छा लगता है, जो भी पक जाए वो अच्छा लगेगा। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए आज आपकी प्यारी बेटी क्वीन शारिबाज करने कैसा पकाया था? बहुत अच्छा पकाया था, टिकिया टिकिया। शामी कबाब आपको अच्छा लगा? शामी कबाब। और क्या? और कुछ अच्छा नहीं लगा? सभी अच्छा ही था, लेकिन सबसे बेस्ट ना तो मेरी चना भी अच्छा। थैंक यू जजाकल्ला। अभी मैं अम्मा से पूछती हूँ क्योंकि मेरी माँ जो है ना वो सीरियसली एकदम एक स्ट्रांग लेडी है। मैं अपने एक बात बताती हूँ कि अगर कोई भी लाइफ में मुझे जो प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी माँ से बोलती हूँ और वो मेरा मसला हल हो जाता है। लोग कहते हैं कि दुआ करने के लिए मैंने शायद ही किसी से कहा होगा कि मेरे लिए दुआ करना, सीरियसली, क्योंकि मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है, सच्ची। एंड आई लव यू मॉम दिल से। अम्मा आपको मेरे हाथ का कौन सा अच्छा लगा? अम्मा मुझे लिपस्टिक करते, अम्मा सूखी वाली लिपस्टिक है, ये बताओ कौन सा सबसे अच्छा लगा तुम्हारा खाना? शामी का।
और आपको पता है मेरी बहन भी अभी है नहीं यहाँ, पर मेरी बहन ने भी यही कहा था कि शामी कबाब अच्छा लगा। सीरियसली बहुत अच्छा था।